मेरे सासू का ना पढ़ के खा जाऊंगी। किसने दोनों जो भी फंस गया उसी ने। देखो आपने ये कहा डॉक्टर रख रखा है क्या? डॉक्टर मारने का रख रखा है, हमने सुधारने का कोई नहीं रख रखा। बहुत मजा आता है इसको मारने में, आज तक पिटा ये बेचारा। मेरे चैनल सब्सक्राइब का बारे में आई थी बड की है जी, मैं भी हूँ तो भाई भाई को प्यार हो है ने। तुम मेरी जिंदगी हो। अच्छा तुम मेरी जिंदगी हो हैं, पर लानत ऐसी जिंदगी पर, ऐसी जिंदगी को मैं ठक्कर मारता हूँ। ये कॉपी मारता है दूसरे का डायलॉग। तो राम राम जी सारन दोस्तों, ये है ट्रिपल कॉम्बो वीडियो। यहाँ पे हम आपको मिलवाएंगे तीन बड़े चैनल, बहुत ही बढ़िया कलाकार। यहाँ पे सबसे पहले रोक हरियाणा, हाँ जी नमस्कार। उसके बाद वंशिका जी, नमस्कार जी। उसके बाद RCK, हाँ जी नमस्कार जी। तो जी सबसे पहले चैनल के बारे में बताओ, किसा के ग्रोथ चल रहा है आपका? भाई बहुत बढ़िया चल रहा है आजकल, और बढ़िया बढ़िया वीडियो बन रही है। हाथ में केले रहा है भाई, यो ना दिखाऊं रे, बड़ी निठियात आयो तो। अरे दे दे यो। ना क्यों दे दूं भाई, यो बड़ी निठियात मंगा दिखा दे, क्यों भाखा रहे? बात ना खारो, केले रहा दिखा तो दे यार। सिल्वर प्ले बटन आयो। अच्छा सिल्वर प्ले बटन है, तू सलमान खान बन ले। तो यहाँ पे हम जो RCK फिल्म देख चैनल के जो कलाकार हैं, रो हरियाणा का 1,00,000 सब्सक्राइब का सिल्वर बटन है जी, मन्ने दे मैं लूंगा। हाँ भाई देखो जी, मन्ने है तू कैसे यार, कमाल होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बीच से सिल्वर प्लेट बटन टूटने वाला है, क्योंकि तीन तीन एक पर जुट चुके हैं। तू है ना गाल दे मेरा, कहे ना वो तो आपने जो सबसे बड़ी बढ़िया और एक्सपीरियंस वाली वीडियो कौन सी रही आपकी? मैंने अपनी चैनल पे पहली वीडियो डाली थी जो सबसे मैंने बढ़िया लगी थी, जो 2018 ये मिंटू की तो बकवास चलती रहेंगे, हम RCK से बात करते हैं। तो RCK आपने बताया, आपने कौन सी वीडियो बढ़िया लगी? देखो जी वैसे तो हमारे चैनल पर सारी वीडियो बढ़िया हैं, फिर भी न्यू है देखनी है, कमेंट में बताऊंगा कि कौन सी वीडियो बढ़िया है। चलो आपकी भी वाहियात बकवास चलते रहेंगे, वंशिका जी से पूछते हैं। वंशिका जी आप बताइए, दोनों में से कौन से कलाकार की वीडियो बढ़िया है? मेरी सबसे इंटरेस्टेड वीडियो है पति पत्नी की लड़ाई, जो कि मुझे मारने के भी पैसे मिलते हैं। मेरे को बहुत मजा आता है शूट करने में, मैं बहुत एक तो अच्छे खासे अपने हाथ की सफाई करके जाती हूँ, और ऊपर से मैं पैसे भी लेके जाती हूँ। मेरे को बहुत मजा आता है, और खास तौर पे ज्यादा पिटता है मेरा पति परमेश्वर बिंटू जी। तो इसको तो आप बहुत ज्यादा ही मारते हो, कई कई बार देखते हैं तो भगा भगा के मारते हो आप? मैं सच में मारती हूँ, मैं इनको रियल में मारती हूँ, रियल में मारती हूँ, उसी के इनको व्यू मिलते हैं। आज भी धुलाई करी है इसकी? आज भी मैंने इसकी धुलाई की है, आज मैंने तासले से, झाड़ू से, चूल्हे से लकड़ी निकाल के मेरी सर्जरी सारी बेइज्जती करवाई। इनको बहुत मजा आता है इसको पीटने में। तो पीटने में मजा आवे तो आपने कोई डॉक्टर भी रख रखा है? इसको बहुत ज्यादा मार पड़े। हाँ आपको क्या लगा नहीं रखा? जैसे मैं ही हूँ, जैसे कि इस वीडियो मैंने इसकी पिटाई कर दी, एक हफ्ते में इसको आराम आ जाता है, अगले हफ्ते में फिर पिट के चली जाती हूँ। तो वो तो मतलब डबल मार पड़गी, डॉक्टर वाले भी वही डॉक्टर हूँ मैं मारने के डॉक्टर हूँ मैं। देखो आपने ये कहा डॉक्टर रख रखा है क्या? डॉक्टर मारने का रख रखा है, हमने सुधारने का कोई नहीं रख रखा। बहुत मजा आता है इसको मारने में, आज तक पिटा ये बेचारा। मेरे चैनल सब्सक्राइब का बारे में बता। ओ पागल डट, ये क्या कह रहा है? मेरे सासू के तो उरे भी शुरू हो गया। थोड़ी सी कर देना, लाख के ऊपर जा लिया ही कर दियो भाई, इसकी चैनल ना सब्सक्राइब कर दियो, रोक हरियाणा और RCK फिल्म ने तो जरूर करियो। दोनों पे मैं ही आऊं हूं। तो यहाँ पे हम बात करें RCK से, तो RCK फिल्म आपने जो चैनल का नाम रखा, तो RCK का क्या मतलब है बताइए अपने दर्शकों को? इसका मतलब है जी राजेश चार खोड़ा। अच्छा इस नाम पर रखा है ये चैनल, नाम पे ही चैनल रख लिया। और मतलब हाँ, इसके अलावा आपके कौन से को और चैनल हैं? इसके अलावा जी हमारे पास है RCK म्यूजिक, RCK कॉमेडी, हिट्स रागनी, RCK डांस, मेरे 9-10 चैनल हैं जी, जिनको म्यूजिक भी है। हाँ जी हाँ, और एक हाँ जी स्वाद अड्डा चैनल है, वो भी कल मोनेटाइज हुआ है, और एक रेनू शोरान कॉमेडी के नाम से है, और एक हफ्ते भीतर इसका भी एक चैनल बनाया है जी हमने, इसके नाम से मैंने ही चैनल बनाया है, इसका तो नहीं है, बाकी इसकी अथॉरिटी लेकर इसका नाम है, तो इसके नाम का इसका ही चैनल होगा सर? ना जी ना, चैनल मेरा है ना, मतलब मैंने जो आपको अथॉरिटी ली है, कलाकार वंशिका शर्मा के नाम से चैनल बनाया है जी। बहुत बढ़िया बात है। मेरा चैनल है कलाकार वंशिका शर्मा, सॉरी मेरा चैनल का नाम है कलाकार वंशिका वंशिका शर्मा।
इसी नाम से मेरा चैनल है, कलाकार वंशिका शर्मा चैनल नाम मेरा खुद का चैनल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस चैनल का लिंक मिल जाएगा, एक बार जरूर जाके चेकआउट करो। कितनी वीडियो हो चुकी है सर मैम? अभी हमने एक ही वीडियो डाली है जो कि आज शाम को हम डालने वाले हैं दूसरी वीडियो। अपना चैनल सब्सक्राइब ही कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कुछ दूसरी प्रोफेशनल चीज हो जाए। बाकी आपका इंटरव्यू है ने, हम आज हम बताऊ चाह हाँ मारो प्यार मतलब एक भाई थी बड़ की है जी, भाई मैं भी हूँ। हाँ ये ऐसा कुछ को ना जी भाई, आपके बहुत सारे चैनल हैं। हाँ जी, तो आप मैनेज कैसे कर पाते हो, टाइम कैसे निकाल पाते हो इतने चैनलों के लिए? जी मैनेज की बात यह है, इस लाइन के सिवा अब हमारा कोई काम नहीं है, सिर्फ काम यही है हमारा, मतलब फुल टाइम आपका यही बिजनेस। हाँ जी हाँ, आपका लोगों का मनोरंजन करने का बिजनेस। हाँ, लोगों का मनोरंजन हम नहीं चाहवा। हाँ जी, हमने देख की कोया से वंशिका जी ने भी ठेका ले लिया है लोगों का सहने का। जरूर मेरी तारीफ। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो आप आरसी के फिल्म की बात करें तो उस पर कितनी वीडियो हो चुकी हैं? आरसी के फिल्म पर जी लगभग 50 और 45 के बीच में, 50 के नज़दीक जा चुके हैं जी। और फीमेल कलाकार की बात करें तो फीमेल कलाकार कौन कौन सी आप चैनल पर काम कर जी चुकी हैं? फीमेल कलाकार हमारी हैं जी, पहले तो आशु चौधरी थी जी मैंने कलाकार हमारी, और अब भी है जी। और उसके बाद सोनिया चोपड़ा, संजीत जांगड़ा और पूजा खटकड़ भी रही है जी, रेनु शोराने, और अब हमारी चहेती कलाकार है वंशिका शर्मा जी। वंशिका को आए मतलब कितने दिन हो गए आपके चैनल के ऊपर, मतलब कैसा उनके साथ व्यवहार रहा है आपका? व्यवहार तो जी एक फैमिली की तरह व्यवहार रहता है, और जब भी इसको टाइम लगता है ये हमारे घर पर जरूर आ जाती है बाजरे की रोटी खाने के लिए। बाजरे की रोटी और लस्सी, ये जी एक प्रकार से देसी खाना खाती है। है तो शहर की मगर बाजरा की रोटी, खिचड़ी, कड्डी, मतलब एकदम देसी खाना पसंद करती है। ओ भाई रोए के तो सारा बताओगा पब्लिक ने। फोकट को ना जी ना, इसका व्यवहार बहुत बढ़िया है जी। फोकट ये तो एक कति ये हमारे फैमिली मेंबर हो चुकी है, मतलब जब भी एक दो दिन मतलब इसका शूट कैंसिल हो जाता है और कुछ तो हमारे पास आ जाती है देसी खाना खाने तो के आपको लिए। मतलब कैसे मतलब हैंडल कर पाती हो देसी खाना, क्योंकि आप शहर से बिलोंग कर रहे हो? मैं फास्ट फूड बिल्कुल अवॉइड करती हूँ, मेरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं है फास्ट फूड, मैं ज़्यादा करके देसी खाना खा के राजी हूँ, जैसे सरसों का साग, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, लस्सी, मैं ये खा के बहुत खुश हूँ। फिर आप बताओ, आप नॉन वेज खाते हो वेज खाते हो? ना जी मत कुछ नहीं खा, बाजरा की रोटी खाऊँ जी। ये प्योर वेजिटेरियन है और मैं भी प्योर वेजिटेरियन हूँ। मैं भी प्योर वेजिटेरियन हूँ। झूठ बोला ये। तो वंशिका जी आपसे हम पूछना चाहेंगे, आप कॉमेडी और आपके संगीत तो बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं लोग आपके एक्टिंग को, तो इसके अलावा भी आप कोई कार्य करते हैं? नहीं जी, मैं इसके अलावा कोई काम नहीं करती, बस अपनी मस्ती करती हूँ और इनके साथ अपनी फुल मस्ती ही करती हूँ। इनकी फैमिली में आके मेरे को कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं दूसरी जगह आई हुई हूँ, जैसे मेरे को ऐसा लगता है मेरा परिवार है। मेरे को सुकून भी यहीं आगे मिलता है कि एक फैमिली के मेंबर बीच में आती हूँ, यहाँ पे रहना, खाना, सोना बहुत अच्छा लगता है। एक भाभी है जो घर में बहुत हाउसवाइफ है, बहुत ही प्यारी है और बहुत ही सपोर्ट भी करती है, और हर एक काम में मेरे को सपोर्ट भी करती है, कभी मेरे को घर पे काम नहीं करने देती और खाने पीने का मेरा पूरा ध्यान रखती है वो। एक बात और है जी, हाँ जी, और चैनल पर तो ये एक्टिंग करती है, हमारे चैनल पर ये कैमरा भी चलाती है, मतलब कैमरामैन भी होगी। हाँ, और राइटिंग भी करती है, कॉमेडी लिखती भी है, हर काम करती है हमारे चैनल पर ये। एक फैमिली माना है। बहुत ही बढ़िया बात है, आप मतलब अपने टैलेंट को आरसीके के माध्यम से अपना आगे बढ़ा रहे हैं। जी हमारी बात है, हमारा तो जी न्यू है कॉमेडी बनाना नहीं, कैमरा चलाना, डायरेक्टिंग, राइटिंग, सारा काम। की तो भाई यार बकवास है, घंटों रामायण करो, मैं तो पूछ यार की मैं आज इस। हाँ तो वही ये आप देख रहे हो कॉम्बो है, तो यहाँ पे आप हम तीन तीन कलाकारों से बात कर रहे हैं तो चलेगी नॉर्मल सी। तो आप बता मिंटू भाई आपकी हॉबीज क्या है? हॉबीज ने थोड़ा तो वो पूछा ना मैंने गाँव में के गए थे। हाँ तो यो बता दे गाँव में के कमी था ना, वो मैंने एक्टर का देश लोग बाग कलाकार का देश क्यों पूछा हम बता रहे रहने दे तो ना किम्मे को ने क्या भाई इतना काल गरम चला था जब लुगाई कहाँ थी कुत्ता कमीना आराम जादो बैंगने जो
नाम किसा का सही नहीं, वह सब तन्ने कौन से। तू है देख आरसी के, तू बता तू देख है तारे जमीन पे देखिए मेरे ससुर। मैंने तो आरसी कौन से, चार 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 दांत जमीन ते बार, दांत मुंह ते बार। मेरी तो इज्जत है पूरा काम में। मैं कौन हूं? या हमारी बढ़िया कलाकार हैं, या आप सिर्फ हमारी कलाकार हो सबसे बढ़िया। यहाँ पे बहुत ज्यादा बहस हो चुकी है तीनों कलाकारों में। इज्जत करना हमारा जी फर्ज है। और मैं किमे को नहीं, ना जी ना ज्यादा। और तो सतर मुर्ख से मुंह अड़ी सदस्य हो, हमारी बहन बेटी हो। ना मैं तो बेइज्जती कर दी, मैं फैमिली सदस्य, हमारी बहन बेटी हो जी आप। वो उन्होंने कहा सतर मुर्ख से मुंह। तो भाई आरसी के भाई आपसे हम एक बात बहुत ही ज्यादा मजाक हो चुका है, हम सीरियस बात करेंगे। तो आप किस टाइप की वीडियो डालते हो, कैसे लोगों का मनोरंजन करते हो? देखो जी माँ बीच के का दी वीडियो तो हम थोड़ी मनोरंजन की डाल दिया, बाकी ज्यादातर वीडियो हम डाला हाँ जिसको कोई अर्थ लकड़े, पब्लिक ने संदेश मिले, उस पब्लिक को कोई फायदे हो, उसने देख के मतलब अपना घरेलू जो जो समाज के लिए मतलब समाज लेवल एक संदेश देके जाए वीडियो, वह ज्यादातर बनाओ हाँ। बाकी माँ बीच पे कद थोड़ी बहुत मनोरंजन की, एंजॉय की, हंसी मजाक की बना दिया माँ बीच का, जो एक पूरा परिवार बैठ के देख सके। तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे सर। हाँ जी बोलो। तो बेटी बचाओ अभियान पर एक वीडियो बनाइए, क्योंकि देश में ये बलात्कार वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, रोज कहीं ना कहीं से खबर आती है वहाँ पे हो गए। तो आप जैसे कलाकार मेहनत करेंगे, लोगों को संदेश देंगे कि बेटी भी किसी से कम नहीं होती। बिल्कुल। तो इस बारे में आप कोई वीडियो स्पेशल लाना चाह रहे हो? हाँ जी हाँ, लिख कर तैयार कर रखी है जी। हाँ बना भी रखी है, काफी दो तीन बना रखी है। हाँ जी हाँ, आपने भी बना रखी सर? ना मैंने नहीं, आरसी के जिनके चैनल पे बनाई है मैंने दो तीन को। तो उसमें कलाकार जो आप होंगे, कलाकार जो आरसी के चैनल पे हमने ही बनाई थी, तीन या चार वीडियो बना चुके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो आ चुकी है या आने वाली है? ना जी आ चुकी है वो तो, और भी अभी तैयार है। एक और तैयार कर देना, उसमें वंशिका जी को ले लेना। हाँ हाँ, अभी बनाएंगे एक और भी। ये भी कोई कहने की बात है, कोई बात नहीं। ये तो बेटी बचाओ के लिए हम तो हरियाणा बढ़िया कलाकार, मुझे यहाँ से देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया कलाकार है। आज लाइव आपने देखा है कि जैसे हमारा शूट चल रहा है, डायलॉग डिलीवरी आपने मेरी देखी है? लाइव देखा था मैंने, बहुत ही बढ़िया कलाकार है। एक डायलॉग डिलीवरी है वो बहुत ही बढ़िया है। ये आप कैमरा के सामने देखते हो तो हमने डायरेक्ट देखा है, एक किसी भी चीज़ को कैच करना इनका बहुत ही बढ़िया इनकी कैचिंग है जी। मैं एक बार जब कोई डायलॉग बता देता है मैं भूलती नहीं हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो गया है कॉमेडी में। तो मिंटू जी आपसे हम बात करें, आप कोई फिल्म वगैरह लेना चाहते हो क्या? फिल्म तो अभी इसे हरियाणवी फिल्म है आपने कन पूछो नहीं। हाँ सर आप बताओ, के बताओगा आप बताओ सर, कोई फिल्म फिल्म की जी तैयारी चल रही है और उस पर हमें एक देसी बिस्ला जी है उसके साथ वो करें। हाँ एक तो उसको लेंगे जी, वो हमारा बहुत फेवरेट है। फेवरेट है बोल सही है, फेवरेट है, फेवरेट है। जो भी है फेवरेट है। अरे यार बढ़िया है, कति एकदम देसी फिल्म बनावांगा जी, तो हम देसी बोलू चाहूं। उसमें हम थोड़ी बहुत इंग्लिश में ला के न रू फुद्दू काम नहीं करू चाहूं, तो इसीलिए देसी बोला हम। दो चार कलाकार हमारे और एक अड्डा के भी कलाकार है, एक दो बहुत बढ़िया। अगले साल तक तैयार हो जाएगी ना जी? साल क्या लगा, मतलब ये साल तो गया ही, अगले साल कदे 12 महीना टारगेट रखता हो। होली की जला पहले मैं उसने लॉन्च कर दिया जी, लॉन्च जो भी है आप कर दियो, जो भी करना है। हाँ, क्योंकि तो हम आपके साथ से हाँ सदा, आप जो कलाकार हैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं रेवाड़ी साइड से। जहाँ तक बात करें मिंटू और मेरे से, वो पूछा ना आगे तेरा फेवरेट डायलॉग है? फेवरेट डायलॉग तो तेरा वो है बहन की टाट, बताएगा फिर? मेरा फेवरेट डायलॉग है बहन की टाट, ये मेरा फेवरेट डायलॉग है। इसका डायलॉग किमे भी कोनी, किमे भी डायलॉग कोनी, ये नरा पिटन का है, यो नरा पिटन का है, किमे डायलॉग कोनी इसका। कलाकार वो है अगर जो गब्बर ते लेके गर्भवती माता को रोल कर ले, वो मेन कलाकार कला है। आप वाला डायलॉग और बता दे जी। मेरे सासु का ना पढ़ के खा जाऊंगी। किसने दोनों माने जो भी फंस गया उसने। तो आरसी के भाई आपका भी फेवरेट डायलॉग सुना दो, हम दर्शक भाई जो वेट कर रहे हैं आपके। वैसे तो जी फेवरेट अपना गणाए हैं, बाकी एक घराली के ऊपर मेरा बहुत फेवरेट है। देखो तुम मेरी जिंदगी हो, अच्छा तुम मेरी जिंदगी हो हैं, पर लानत है ऐसी जिंदगी पर, ऐसी जिंदगी को मैं ठक्कर मारता हूँ। ये कॉपी मारता है दूसरे का डायलॉग। That's not right. है भाई ये same है। मेरा चैनल कुछ पता नहीं भाई। भाई एसके भी हरियाणवी को चैनल को सब्सक्राइब करियो, सपोर्ट करियो। यो भाई इतनी दूर तक आयो, हमने बहुत खुशी हुई है दिल से।
की है भाई ने कुछ। वंशिका जी आप बताइए हमारे चैनल के बारे में, आप भी कुछ कहने वाले थे एसके बी रेणु के बारे में। जी मैं ये कह रही हूँ कि जो आज ये मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं, मेरे को बहुत खुशी हुई एसके बी हरियाणवी चैनल। सो मैं पब्लिक से यही कहूँगी कि इनको भी सपोर्ट कीजिए जैसे आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो, और मेरे आगे ये इंटरव्यू लेते ही रहेंगे, मेरा इंटरव्यू भी देखिएगा और इनको फुल सपोर्ट कीजिएगा। इनका चैनल खुद का सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इनबॉक्स में जरूर बताना। और ओ भाई रे चुप रे। हाँ जी आप बताओ भाई। और जियन ज्ञान की खुशी खुशी हमने आज पूर्ण घंटा में पूरी स्क्रिप्ट कंप्लीट कर दी, इतनी खुशी हुई है हमने, और इससे ज्यादा हम केक है इसका। हाँ तो अभी हम मिले आरसी के फिल्म यानी क्या नाम था आपका, राजेश। हाँ राजेश चार। राजेश चार से और वंशिका जी से और रॉक हरियाणा के मिंटू जी से। तो आपसे रिक्वेस्ट है जो भी व्यूअर इस समय देख रहे हैं, जो हमें जानते हैं वो इनको सपोर्ट करिएगा, और जो इन्हें जानते हैं वो इस चैनल को सपोर्ट करिएगा, क्योंकि मिल बांट का एक काम चल रहा है। आपस में देखो, सपोर्ट करो और सब्सक्राइब। अब जो भाई देख, हमने जो इंटरव्यू में मौज मस्ती करी है, एक दूसरा में ऐसे ऐसे कराई, हम मजाक से लागे लोगों ने, एंटरटेनमेंट है, जो कुछ दिल दुखाने वाली बात को ना, ऐसे हम एंटरटेनमेंट करता रहा था। तो अभी हम मिले आरसी के फिल्म और वंशिका जी और रिंकू मिंटू से। तो बहुत से कलाकार हैं जो आरसी के पर भी जो इस समय हमारे इंटरव्यू में मौजूद नहीं है, और रॉक हरियाणा के चैनल के जो कलाकार है वो भी मौजूद नहीं है। तो अगले इंटरव्यू आने वाले जो इंटरव्यू हैं उनमें आप उनको देख पाओगे। स्पेशल इंटरव्यू होगा आरसी के फिल्म का बहुत ही जल्द, और रॉक हरियाणा का भी, और वंशिका जी हमें मौका देंगे बाद में, तो उनका भी इंटरव्यू होगा बहुत ही जल्द। तो आप इस हम इस वीडियो को यहीं पे कर रहे हैं समाप्त। तो मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद। जय गौ माता। जय हरियाणा और जय गौ माता।